नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से और उनके साथ एक ऐसे मुद्दे पर जिस पे बहुत गंभीर चर्चा इस समय पूरे देश में है। न्यूज़ क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र अम्बेडकर जी। और हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि एक बहुत लंबा समय आपने और पूरी जो परंपरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से शुरू हुई है, भारत में जाति प्रथा के उन्मूलन के सवाल को लेकर, धर्म की जो कुरीतियां हैं उसको लेकर एक लंबा संघर्ष है जो चल रहा है तब से लेकर जी। आज के दौर को आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या दिखाई देती है? मैं जब आज एनालिसिस करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो समस्या बाबा साहब अम्बेडकर जी के सामने थी या बाबा साहब अम्बेडकर जिस समस्या से गुजर रहे थे, हमारे सामने भी आज वही समस्या है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी जब 1908 में 1907 में पढ़ाई करते थे तो बाबा साहब को स्कूल के बाहर बिठाया जाता था। आज भी हमारे बच्चों को स्कूल में घड़े को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। यानी सिर्फ नंबर ऑफ इयर्स बढ़ते गए हैं, हालात वही है, सिचुएशंस वही है। आज भी ये अनटचेबिलिटी एक छुपे फॉर्म में पूरे भारत में लागू है, पूरे भारत में। मैं नहीं समझता कि अनटचेबिलिटी यहाँ से निकल गई है, दूर है। गुजरात में कई राज्यों, कई सारे जिलों में, गांवों में आज भी हमारे बच्चों को, लोगों को कुएं पर पानी भरने का अधिकार नहीं है। किसी सवर्णों के गांव से अगर वो गुजर रहे हैं तो चप्पल जो होती है उनकी, उनको हाथ में लेनी पड़ती है। तो ये सारी सिस्टम आज भी पूरे भारत में लागू है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं डेवलप्ड हो रहे हैं। हम इंडिया को डेवलपिंग कंट्री में या डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में देखना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री इसको क्या विश्व गुरु बनाना चाहते हैं? विश्व गुरु आप इस देश को बनाना चाहते हो और आपके ही लोगों को, आपके ही देश के लोगों को आप बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं देना चाहते। मैं फंडामेंटल राइट्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स जो एक इंसान को जन्म होते ही मिलनी चाहिए, वो ह्यूमन राइट्स भी हम लोगों को नहीं मिल रही है जी। अब मैं आपसे पूछूंगी जिस पर बहुत हंगामा मचा हुआ है, अयोध्या से लेकर दिल्ली तक खलबली है। लोग बात कर रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं जी, जो हर साल तकरीबन दोहराई जाती हैं, उन प्रतिज्ञाओं पर बहुत हंगामा है। और अयोध्या में कई जो स्वघोषित गुरु हैं उन्होंने 50-50 लाख रुपए तक का कहा है कि इसको आप मार के लाइए, सर काट के लाइए। आम आदमी पार्टी के जो नेता और मंत्री रहे हैं, तो ये जो दृश्य है ऐसा क्या 22 प्रतिज्ञाओं से इतनी दिक्कत क्यों? देखिए ये जो कुछ भी नया नहीं है इसमें। नहीं, आज ये जो ब्राह्मिन्स ये या जो सवर्ण ऑर्डर दे रहे हैं ये इन्होंने बुद्ध के समय भी किया था, ये तब से ये चले आ रहे हैं। इन्हें बुद्ध से नफरत है। बुद्ध की टीचिंग क्या है? बुद्ध की टीचिंग है कि हम कोई वर्ण व्यवस्था को नहीं मानेंगे, कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई शूद्र नहीं होगा, इस देश के सभी लोग समान होंगे, इक्वलिटी होगी। और ये जो सवर्ण है ये मनु के कानून को मानते हैं। इस देश के लोगों का विभाजन वो चार वर्णों में और महिलाओं को पांचवे वर्ण में रखते हैं। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस बुद्ध के धम्म को चुना जो इक्वलिटी देता है। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाओं को काफी रिसर्च करने के बाद बाबा साहब ने इस 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया। आज बाबा साहब ने निर्माण किया, हम लोगों ने वो दोहराया। आज जो 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर ये लोग देश भर में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, हर विरोधी, देश विरोधी सब कुछ, सारे न्यूज चैनल आज आप देख रहे हो, मेन स्ट्रीम मीडिया ये पूरी तरह से गुलाम हो चुका है। ये देश का एक पिलर है, मीडिया एक देश का लोकतंत्र का पिलर है। इस पिलर के ऊपर RSS और BJP पूरी तरह से हावी हो चुकी है। ये एक ही रात में किसी के भी खिलाफ ये पूरे देश भर में वातावरण तैयार कर सकते हैं। हालांकि जब हमने कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, अब नहीं मानने में और गाली देने में इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर किसी को हम रास्तों के ऊपर चलते हुए भी गाली दे दे तो IPC के कलम के तहत हमें जेल हो सकती है, हमें जेल हो सकती है। तो क्या हमने किसी देवी देवताओं को गाली दी है? आज एक FIR हमारे ऊपर 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने के ऊपर नहीं किया गया है। फिर ये किस तरह से कहते हैं कि हिंदू विरोधी है, भगवानों को गाली दी? सारे न्यूज मीडिया पर यही चलाया गया कि भगवानों को गाली दी। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो 22 प्रतिज्ञा लोगों को दी है, खुद दी है। कुछ एंकर मैंने देखे, रूबी का या कुछ नाम है, वो कहती है कि बाबा साहब ने तो अकेले ली थी,
अकेले बाबा साहब अंबेडकर जी को कम से कम ये अगर डिबेट कर रही है तो पढ़कर इनको आना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 5 लाख लोगों को नागपुर के दीक्षा भूमि में खड़े रहकर ये 22 प्रतिज्ञा दी है, इसलिए दीक्षा भूमि है। और 5 लाख लोगों ने इस 22 प्रतिज्ञाओं को 14 अक्टूबर 1956 को दोहराया और 17 अक्टूबर 1956 को और 2 लाख लोगों ने चंद्रपुर में दोहराया और यही प्रथा पूरे देश भर में आज भी चली आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान 1949 में बाबा साहब ने 26 नवंबर को दिया, वो संविधान 1950 में लागू हुआ और 6 साल बाद बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है। इसका मतलब 22 प्रतिज्ञा संविधान के दायरे में है, संविधान के दायरे में है। संविधान आने से पहले नहीं थी, संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी ने, जो खुद लॉ मिनिस्टर रहते हैं, उन्होंने ये 22 प्रतिज्ञा दी है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं ये 22 प्रतिज्ञा संविधान के दायरे में है, किसी धर्म का इसमें अपमान नहीं है। एक कहना चाहता हूं कि किसी भी कल्चर में अगर ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं ये हिंदू धर्म को छोड़कर आ रहे हैं, और अगर इसलिए बहुत परेशानी है, तब भी बाबा साहब अंबेडकर जी को के धर्मांतर को ये ब्राह्मणी व्यवस्था, ये सवर्ण धर्मांतर मानने को तैयार नहीं थे जी। उन्होंने केस की थी। यहाँ पे आपसे इसलिए भी ज्यादा पूछना चाहती हूँ क्योंकि हमने देखा है कि 2014 के बाद से अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अम्बेडकर का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं। अभी पंचतीर्थ करके इन्होंने एक और बुकलेट जारी की है जिसमें अलग अलग जो जगहें हैं उनका जिक्र है, अंबेडकर भवन के बारे में बात करते हैं, स्मारक के बारे में बात करते हैं, तो फिर वो अंबेडकर की प्रीचिंग से इतना डर क्यों है? क्योंकि तो अंबेडकर के बिना तो इनका काम नहीं चल रहा है जी। देखिए ब्राह्मणी व्यवस्था क्या करती है, वो पहले तो इस देश के जो महापुरुष होते हैं, महामानव होते हैं, उन्हें खत्म करने का काम करती है। जैसे बुद्ध हो, बाबा साहब हो, इन्हें वो खत्म करने का काम करती है, लेकिन वो खत्म नहीं होते तो वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। ये तो हमारे ही है, कॉप्ट करना। हाँ, तो आज देखिए बुद्ध को ये विष्णु का अवतार मनाएंगे जी। तो मैं पूछता हूं, अगर बुद्ध विष्णु के अवतार है तो आपके किसी भी मंदिर में बुद्ध की मूर्ति क्यों नहीं होती? कोई भी आरएसएस का व्यक्ति बुद्ध जयंती क्यों नहीं मनाता? बुद्ध तो विष्णु के अवतार है ना, और अगर विष्णु के ही अवतार है तो हम तो बुद्धिज्म में ही जा रहे हैं, आपको परेशानी क्यों हो रही है? तो इनको सिर्फ वो अपना करके उसको खत्म करना चाहते हैं। अब बाबा साहब के साथ यही हो रहा है, बाबा साहब अंबेडकर जी को ये अपना रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और मोदी एक ही विचार के थे और मोदी ही बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों को पूरा कर रहे हैं। अंबेडकर एंड मोदी नाम की बुक इन्होंने निकाली। मैंने कहा कि ठीक है, इस देश में नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा अंबेडकरवादी अगर कोई है तो मोदी ही है। हम ये भी मानने को तैयार है कि मोदी जी आप ही बाबा साहब के विजन पे काम कर रहे हो, अगर कर ही रहे हो तो बाबा साहब की एक बार 22 प्रतिज्ञा दोहरा के बताओ। आप खड़े होके बोलो कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं राम कृष्ण को नहीं मानूंगा। मैं कहता हूं चलो ये भी मत बोलो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इतनी तो सब कसम खा के प्रतिज्ञा करके आप बता सकते हो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो उनको सिर्फ बाबा साहब चाहिए। ये बड़ा खतरनाक है, वो झूठ की कसम खा के भी झूठ बोल देंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा 22 प्रतिज्ञा की जरूरत मोदी जी को है, आप अपनाओ ताकि ये देश अच्छे मार्ग पर चले। तो ये बाबा साहब अंबेडकर जी को उनका आरएसएसकरण कर रहे हैं। जब इन्होंने सीए एनआरसी लागू किया तो बाबा साहब को कोट किया कि बाबा साहब के ही विचार हम पूरे कर रहे हैं। जब इन्होंने 370 हटाया तब फिर बाबा साहब को कोट किया, यानी ये सारे बाबा साहब के अगर थॉट्स ऑन पाकिस्तान का पूरा ग्रंथ है उसमें से एक लाइन उठाएंगे बाकी के कॉमा वाली लाइन छोड़ देंगे। यानी ये इस तरह से बाबा साहब को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं देश में और बाबा साहब का इतिहास फिर से लिखने का काम आरएसएस कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये टकराव अभी बढ़ेगा या क्योंकि अभी हमला तो बहुत तेज हो गया है जी। और जिस तरह से इन्होंने सरेआम 50 लाख की एक बात रखी है कि आप सर काट के लाइए, दो दो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, वो लोग खुले छूट रहे हैं, वहीं पर बाबा साहब की बात करने वाले लोग या दलित जो विचारक है आनंद तेलतुंबड़े और बाकी और लोग वो जेल में हैं। तो ये एक जो पैराडॉक्स है, संविधान बाबा साहब का है देश में लेकिन अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों के लिए है, तो आगे का रास्ता आपको कैसे दिखाई दे रहा है? नहीं, संविधान तो इन्होंने हमारे इस्तेमाल में लाया ही नहीं। जैसे आज बाबा साहब अंबेडकर जी ने आर्टिकल 21 लिखकर कहा कि
शिक्षा का ये जो निजीकरण है ये नहीं होगा, ये स्टेट के हाथ में होगा। इन्होंने, क्योंकि शिक्षा हम लोगों को जरूरी थी, इन्होंने शिक्षा का दरवाजे बंद कर दिए, इन्होंने नौकरी प्राइवेटाइजेशन हो गया, नौकरियां बंद हो गई। तो ये संविधान हमारे इस्तेमाल में नहीं ला रहे, ये संविधान का इस्तेमाल अपने व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। और आज जो हमारे लोग, यानी एक तरफ जो लोग 50,000-50,00,000 रुपया सर काटने पर दे रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, वो इतना वायरल हो रहा है, उसके ऊपर एक कंप्लेंट नहीं है। किसी ने राष्ट्रपति को खत नहीं लिखा, किसी हिंदू संगठन ने राष्ट्रपति को, कहां गए आपके वो तिवारी, कहां गए आपके वो नाच गाने करने वाले एमपी जो आज आपको राष्ट्रपति को मिलने की नहीं सूझ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अभी आने वाला संघर्ष होगा। क्या दलितों में एसर्शन आएगा या जागृति आएगी? नहीं, जागृति तो बहुत आ रही है लोगों में, जागृति आज देखिए दिल्ली का सिर्फ 10,000-15,000 लोगों ने हिंदू धर्म का त्याग किया और पूरे मीडिया ने इसको दिखाकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की। इसका परिणाम यह हुआ कि सिर्फ 10,000 लोग दिल्ली के उस मैदान पर दीक्षा ले रहे थे, इसका परिणाम यह हुआ लखनऊ में 10,000-12,000 लोगों ने, ओबीसी लोगों ने, अदर बैकवर्ड कास्ट लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ा और पूरे देश भर में ये 22 प्रतिज्ञा दोहराने का काम शुरू हो रहा है। और देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं अगर तुम काउंटर करो तो रिवॉल्यूशन फिर शुरू हो जाता है। रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन साथ में चलते हैं। अगर ये हमारे रिवॉल्यूशन को काउंटर कर रहे हैं, फिर से हमको रिवॉल्व होना पड़ेगा और लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आज देखिए, मैं देश के लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आज जो इनका वार हुआ है, आज हमारे लोग इनको मारे जा रहे हैं, मूछ रखने का अधिकार नहीं, घोड़ी पे बैठने का अधिकार नहीं, इतने सालों से हम रास्तों के ऊपर है, एक प्रतिक्रिया इनकी नहीं आती, एक के दिल में ये संवेदना नहीं होती, ये जो आहत गैंग है इनकी आहत कभी हर्ट नहीं होती, इनके भावना आहत नहीं होती। तो ये भावना आहत गैंग हमारे मरने पर आहत नहीं हो रही है और 22 प्रतिज्ञा को दोहराने पर आहत होती है। तो मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर इनको आहत पहुंचानी है तो पूरे देश भर में 22 प्रतिज्ञा अभियान चलाना पड़ेगा और हर घर पे जितने भी हम लोग हिंदुइज्म को हम फॉलो कर रहे हैं हम लोग और वो हमें हिंदू मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे धर्म को त्यागना ही बेहतर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।